अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बनाएंगे चिकन 65, वो भी बड़े बड़े पीसेस के साथ बनाएंगे। ये देखिए मैरिनेट करे हुआ चिकन। जो चिकन लाते ही मैं क्या कर देता हूँ, वॉश करके अच्छे से इसको मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, ऑयल लगा दे के अच्छे से पूरा मैरिनेट करके रख दे के क्लिंग रैप लगा दे के रख देता हूँ। तो ये आपको 1 वीक तक ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बहुत अच्छा रहता। इस तरह से स्टोर करके देखिए चिकन। एंड देन हमें यहाँ चाहिए 1/2 लेमन, फिर चाहिए 2 से 4 चम्मच दही। एंड देन यहाँ पर चाहिए स्पाइसेस, लाइक 2 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टीस्पून कलर चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन मसाला ले लीजिए, पाउडर नहीं मिला तो। ये है नमक 1/2 टीस्पून, या टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर ऑलरेडी उसमें है तो स्पाइसेस थोड़ा देख के ही लेंगे हम इसमें, 1 टीस्पून। अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी जस्ट फॉर कलर। एंड ये देखिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून लेंगे, और थोड़ा सा कोथमीर पुदीना ले लेंगे। अब ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे अपन, अभी सब डाल देंगे। अभी हम इसमें दही भी डाल देंगे, लेमन भी डाल देंगे, सब डाल के अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसको पेस्ट बना के बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे हम इसमें, अभी हम इसमें लेमन भी डालेंगे, लेमन जूस 1/2, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया मैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स रेडी हो गया, अब हम इसमें लेंगे एक एक ले लीजिएगा, सिर्फ वाइट ही नहीं पूरा एग डालेंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके अभी इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के अब टेस्ट देख लीजिएगा सब बराबर है क्या स्पाइसेस। चिकन इस तरह से मैरिनेट करके रखने से बहुत सहूलत हो जाती है, आपको जब भी बनाना है थोड़ी देर पहले निकाल के आप बना दे सकते हैं। फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ऐसा रखेंगे तो, नीचे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए आपको तो अच्छा सा 3-4 दिन भी आराम से रहता। सो अभी हम चिकन डाल के मैरिनेट करने रख देंगे, लाइक 1 आवर या 1/2 आवर, जैसा आपकी सहूलत है रख दीजिए। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट बेटर आप 1/2 आवर में बना लेंगे अपन। इस तरह हम मैरिनेट करके अपन रख देंगे 1/2 आवर to 1 आवर, तो उसके बाद देखेंगे। आप बोनलेस भी ले सकते, बट मैं यहाँ पर सब मिक्स ले लिया। सो अभी मैरिनेट करके रख देंगे 1/2 आवर के बाद मिलेंगे। अपना चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया, तो अब हम डालेंगे डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे ये पीसेस। गरम ऑयल करिए, ऑयल में ये डाल दीजिए आप, एक एक पीस करके डालिए, एक साथ सारे नहीं जस्ट। ये चिकन फ्राई करे सोई तेल है तो मैं वही यूज़ करते रहूँ। एक लेग पीस डाल दिए अपन यहाँ पर, ज़्यादा पीसेस में स्लो फ्लेम पे कुक करना है आपको, क्योंकि ये एकदम कच्चा चिकन है, पके हुआ नहीं है, तो स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे अपन। और एक पीस आ जाता है सो डाल के दो साइड अच्छा करके निकाल लेंगे। एक साइड कुक हो गया तो अपन नेक्स्ट साइड फ्लिप करेंगे, इन लोग को स्लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। स्लो फ्लेम पे पके तो आपको गोश्त गल जाता अंदर, फ्लिप करके और 5-10 मिनट पकड़िए। एक तो फ्राई कर रहे अपन, अभी एक दूसरे में देखिए ग्रिल ट्रे ले लीजिए, ग्रिल करेंगे अपन थोड़ा सा ओवन में। अभी आपको जो जो पीसेस चाहिए वो पीसेस ले लीजिए, एक मसाला भी ले सकते हैं आप। ज़्यादा नहीं, हम 3 से 4 पीसेस करके देखेंगे कैसा बनता है। मैं ट्रे पे रखूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट ग्रिल पे भी रख सकते, पेपर वो या कुछ भी रख के, बट मैं तो ऐसे ही रखूँ डायरेक्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे, देखो अपना 2 पे देखिए, 2/6 पे तंदूरी चिकन को रहता। सो स्टार्ट कर देंगे, टाइमर खुद सेट हो जाता।
अभी चल रहा, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखेंगे अपन आगे। माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो गए, अपन निकाल लेंगे। जितना चाहे उतना कलर कर सकते हैं आप। अगर हमको थोड़ा डार्क चाहिए तो हम डार्क रखें, आप लाइट भी कर सकते। देखिए अपना चिकन पीसेस पूरे फ्राई हो गए। अभी आगे का स्टेप देखें। आगे इसे इसमें चाहिए सिंपल इंग्रेडिएंट्स, लाइक आपको थोड़ी सी एक दो ऑनियन, देखिए लहसुन चॉप करे हुए 8 से 10, हरी मिर्ची स्लिट करे हुए 8 से 10, करिया पत्ता, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा हरा मसाला, और जो ये ग्रेवी बच गई वो वाला यूज़ कर लेंगे अपन। देखिए वही कढ़ाई में थोड़ा सा रखिए आप लोग ऑयल, ताकि इसमें से थोड़ा सा लहसुन, ज़्यादा नहीं, बस 1 टेबल स्पून लहसुन अराउंड। अगर आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डाल सकते। ऑनियन भी जस्ट 1 टेबल स्पून चॉप्ड ऑनियन डालिए। यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च, इसे थोड़ा सा सौटे करिए। थोड़ा सा रेड कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कोथमीर एंड करिया पत्ता। अभी देखिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप एंड 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। डाल के मिक्स जो है ना अपन कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए बस यही ग्रेवी है और कुछ ग्रेवी की जरूरत नहीं है। अभी हम चिकन डाल देंगे, एक क्विक मिक्स देंगे, मिक्स देके 5 मिनट दम पे पका के डिश आउट कर लेंगे। मसाला से हो गया अपना चिकन, थोड़ा सा हरा धनिया देन ऑफ करके डिश आउट कर लेंगे। ये सेमी ग्रेवी है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं, जस्ट थोड़ा सा। आप इसको पराठे के साथ या राइस के साथ भी सर्व कर सकते। माशाल्लाह से देखिए अपना चिकन रेडी हो गया। ये देखिए अपना चिकन 65 बेहतरीन रेडी हो गया। माशाल्लाह इस तरह से बनाइएगा सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप लोग भी ट्राई करिएगा, देखते रहिएगा सिंपल रेसिपीज़ के लिए फ्लेवर्स ऑफ डेक्कन। अभी हम ओवन चेक करेंगे एक बार। ये वाला तो अपना हो गया। चलिए मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिएगा फ्लेवर्स ऑफ डेक्कन। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ये अपन जो रखे थे ना वो वाले भी तंदूरी ट्रे में जो रखे थे तंदूरी चिकन इफेक्ट देने के लिए ओवन में, वो भी रेडी हो गए। तो अभी इसकी प्लेटिंग करेंगे अपन। देखिए अपना तंदूरी चिकन माशाल्लाह रेडी हो गया। सेम 65 तंदूरी चिकन है ना, तो मैं इसमें तंदूरी मसाला डाला कुछ नहीं, जस्ट बेक करके बताया। आप सर्व करिएगा इस तरह से नान के साथ या शीरमाल के साथ, रोटी के साथ। ये वाली प्लेट भी महिरा नो सब, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा बेस्ट कॉम्बो। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिएगा फ्लेवर्स ऑफ डेक्कन। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।